वेलकम टू संजीता शो दी एपिटाइजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीता और आप सबका मेरे चैनल दी एपिटाइजर में स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी वैलेंटाइन डे स्पेशल है। सिंपल एंड यूनिक वे में आज आपको कैरेट से एगलेस केक बनाना सिखाऊंगी। आज की हमारी रेसिपी का नाम है एगलेस गाजर केक या एगलेस कैरेट केक। वैलेंटाइन डे पर आप अपने पार्टनर के लिए अपने हाथों से कैरेट केक बना के खिलाएं और उनका दिल जीत लें। सो लेट्स स्टार्ट। एगलेस गाजर का केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाजर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, मैदा, नमक, शुगर पाउडर, अमूल का कंडेंस्ड मिल्क, ऑयल, दूध, शुगर सिरप, बटर, काजू जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, बादाम इसे भी मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, वनीला एसेंस, दूध का पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर बॉल में शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे आइसिंग पाउडर भी कहते हैं। आप इन्हें एक बॉल में निकाल लीजिए पहले। और अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। और अब इसे विस्कर की मदद से अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास हैंड मिक्सर हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा, उसे जल्दी से वो हमारा विस्क हो जाता है। तो इसे मुझे अच्छे से चीनी के पाउडर में मुझे अच्छे से मिला लेना है हमें। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे अच्छे से विस्क कर लिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। और अब मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल ऐड करूँगी और फिर से मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी एक साथ। ये देखिए मैं फिर से मिला रही हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। और अब मैं एक बॉल लेकर उसके ऊपर छलनी रखूँगी और हमें मैदा को इसमें छान लेना है। केक बनाते समय हमें मैदा को छानना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पहले 1 कप मैदा ऐड की हूँ और उसके बाद मैं फिर से और 1/2 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं छान लूँगी। अब मैं दूध के पाउडर को भी छलनी में छान लूँगी। और उसके बाद सॉल्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इन सबको भी मैं छान ले रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला ले रही हूँ। इन सबको मिला लेने के बाद अब मैं यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ। फिर यहाँ पर हमें काजू ऐड कर रही हूँ और साथ में बादाम। और अब मैं इन सबको अच्छे से फिर से मिला ले रही हूँ। इसे मिला लेने के बाद अब मैं यहाँ पर दूध ऐड करूँगी। और साथ ही मैं वनीला एसेंस डालूँगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इन सबको मिला ले रही हूँ फिर से। मैं यहाँ पर अमूल का कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं 4 चम्मच ऐड कर रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऐड किया है। इसे मैं निकाल ले रही हूँ अच्छे से। और अब मुझे इसे फिर से मिक्स कर लेना है।
मैं इसे वन डायरेक्शन में करके ही इसे मिक्स करूँगी। आप देखिए मैं इसे वन डायरेक्शन में कर रही हूँ और इसे आप अच्छे से मिला लीजिए। और अब मैं यहाँ पर शुगर वाला जो मैंने टेक्सचर बनाया था उसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। आप अच्छे से उन सबको निकाल लीजिए इस स्पैचुला की मदद से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और फिर से मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी वन डायरेक्शन में करके। दस मिनट तक मैंने वन डायरेक्शन में कर इसे अच्छे से मिक्स किया है, तो आप देख सकते हैं ये किस टाइप का अभी इसका टेक्सचर है। तो अब मैं यहाँ पर शुगर सिरप ऐड करूँगी। इसे मैं 5 बड़ी चम्मच ऐड करूँगी। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको सिर्फ चीनी और थोड़ा सा पानी लेकर आपको इसे बॉयल कर देना होगा और आपका शुगर सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से आपको उसी तरह से वन डायरेक्शन में करके ही आपको इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। आप जितना अच्छा इसे मिक्स करेंगे बैटर, आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा और साथ ही केक सॉफ्ट भी होगा हमारा। 10 मिनट तक और मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है वन डायरेक्शन में करके। तो अब आप देख सकते हैं केक का जो बैटर है वह किस टाइप का हो चुका है। तो अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ और अब हमें केक मोल्ड में बटर से इसे ब्रश कर लेना है। आप चाहो तो बटर की जगह पर वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। आपको इसे मोल्ड के चारों ओर अच्छे से ब्रश की मदद से बटर को लगा लेना है। इसी तरह की नई नई यूनिक रेसिपीज़ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बटर लगाने के बाद अब हमें मैदा का डस्टिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैदा ले ले रही हूँ और अब आप इसे हिलाते हुए मोल्ड के चारों ओर मैदा को लगा दीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए डस्टिंग हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मैदा एक्सेस है तो उसे मैं निकाल लूँगी। अब हम बैटर को केक मोल्ड में डाल दे रहे हैं लेकिन हमें इसका हाफ देना होगा। पूरा आप भर के कभी मत दीजिएगा क्योंकि केक जब हम इसे बेक करते हैं तब ये थोड़ा सा फूलता है। तो हमें आप जो भी कंटेनर आप यूज़ करो आप उसका हाफ दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ काजू के पीसेस मैं ऊपर से लगा दे रही हूँ। आप चाहो तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आप उन सबको अच्छे से लगा दीजिए चारों। और अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए मैं किस तरह से इसे हिला हिला कर मैं इसे सेट कर दे रही हूँ। इससे जो भी इसमें एयर अगर हमारा घुस जाता है तो वो मेरा निकल जाएगा। मैंने यहाँ 2 केक मोल्ड में बैटर लिया है और मैं एक साथ इसे प्रेशर कुकर में बैठाऊँगी। अब मैं एक प्रेशर कुकर में सॉल्ट का एक लेयर बनाऊँगी जिसमें कि हमें बेक करना होगा। यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे हाथ से चारों ओर फैला दूँगी और इसे मुझे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे गर्म करना है। तो इसे मैं गर्म करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दूँगी। 5 मिनट हाई फ्लेम में गर्म करने के बाद अब मैं 5 मिनट लो फ्लेम में गर्म करूँगी। 5 मिनट लो फ्लेम में गर्म करने के बाद अब मैं यहाँ पर केक मोल्ड को रख दे रही हूँ सॉल्ट के ऊपर और अब हमारा फ्लेम लो ही रहेगा।
और कुकर का जो सीटी है उसे मैं निकाल दूंगी और इसे मैं 30 मिनट्स के लिए इसे बेक करूंगी। थर्टी मिनट्स हो चुके हैं, तब हम चेक कर लेते हैं एक टूथपिक की मदद से। ये देखिए जो बैटर है वो हमारे टूथपिक पे नहीं चिपक रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो केक है वो पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब मैं दो तीन जगह और भी चेक कर ले रही हूँ एक बार। देखिए थोड़ा सा भी हमारा टूथपिक पे बैटर नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा केक जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तीन केक बना है तो मैं एक केक को आपको निकाल के दिखा रही हूँ, तो आपको चाकू की मदद से किनारे किनारे से आपको इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप उस हिसाब से करिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको लगाते हुए इसे निकालना है और ये आप तभी निकालेगा जब आपका केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए। और अब मैं एक प्लेट में इसे निकालूंगी, तो इसे मैं प्लेट को इसके ऊपर रख कर उलट दूंगी और उसके बाद मैं इसे ऊपर से थोड़ा सा हिलाते हुए इसे मैं निकालूंगी। इस तरह से करते हुए मैं ये देखिए हमारा जो है ये केक निकल गया है। इसे धीरे से टर्न कर दे रही हूँ, है ना, प्यारा सा केक हो गया है तैयार। एक ग्लेस गाजर का केक बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।